इस फोटो को देख के आप अंदाजा लगाना कि बेबी का फेस किससे ज्यादा मैच कर रहा है। इन रिपोर्ट्स के अंदर अभी आपको दिखाऊंगा बेबी अंदर रो रहा है। सो हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए व्लॉग के अंदर। बाहर इतनी ठंड है ना, मैं शिवर कर रहा हूँ ऐसे। सुबह सुबह गर्म पानी लेकर आया हूँ भाई। ये मेरा पार्टनर, पानी पी ले, थोड़ा सा पी ले, अच्छा लगेगा। अरे बिल्कुल गर्म नहीं है, पी के देख। नहीं, हेल्प लेना चाहते हो तो मैं माइंड नहीं करूंगी। थोड़ी थोड़ी धुंध होने लगी है। और गाइस अभी मॉर्निंग में मैं उठा हूँ और उठते ही सबसे पहले मैंने गर्म पानी पिया है, क्योंकि भाई अभी मेरे को ड्यूटी जाना है और ड्यूटी का सीन ऐसा चल रहा है भाई, आजकल रोज जाना पड़ता है। क्यों क्राइम पार्टनर को ये देखो, हवा चल रही है ना, ये ठंडी हवा चल रही है। अंदर सुबह ना इतना फ्रेश फील होता है। चल तेरी चाय बनाते हैं, आजा। उसके बाद गाइज हम चलेंगे ऑफिस, तो छोटी मोटी चीजें आपको दिखाता रहूंगा वहाँ पे। आज तो गाड़ी से जाऊंगा भाई, आज गाड़ी से जाऊंगा, बाइक से जाने की हिम्मत। ऑफिस पास में ही है, घर से ज्यादा नहीं है, 4-5 किलोमीटर है। तो गाइस देखो, ये मलाई पहले फेंक देती थी, आजकल बचा के रखती है, क्योंकि इसको इसकी चाय भी नहीं होती है। मलाई वाली चाय वाली, चल चाय बना। ये लो आपकी चाय रेडी है, मॉर्निंग टी। इसी के चक्कर में तो तू लालच में रहता है और मुझे बदनाम करता है कि मैं ब्लॉग के चक्कर में बनाता हूँ। इसको कम ही देता हूँ, देखो गाइस आधा कप। गाइस देखो एक बार आप, सामने इंडिया गेट के सामने भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और भाई यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है। गाइस देखो मैं अंदर हूँ और अंदर आना किसी को अलाउड नहीं है, सब लोग अभी बाहर से ही फोटो क्लिक करवा रहे हैं और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। गाइस अभी इंडिया गेट पे आए और इतनी तेज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पूछो मत भाई, दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि भाई अभी इंडिया गेट पे रूटीन चेकिंग चलती है हमारी, तो जिस वजह से हमें यहाँ पे आना पड़ता है। इन डॉग्स को यार बहुत सर्दी लगती है सर्दियों में, देखो इसने कितना मस्त जुगाड़ ढूंढ रखा अपना। तो देखो गाइज, लास्ट टाइम मैंने आपको ये तोप दिखाई थी जब ये बिल्कुल पेंट नहीं हो रखा था इनके ऊपर, और अभी देखो बिल्कुल पेंट हो गया और कितनी मस्त लग रही है। ये पाकिस्तानी टैंक है और ये अपना इंडियन टैंक है। पाकिस्तानी टैंक है, पाकिस्तान का लड़ाई में जीता हुआ है। अच्छा, लड़ाई में जीता हुआ है ये। 1971 में जो लड़ाई हुई थी, अच्छा, उसमें ये छीने गए थे और जो इंडियन है पाकिस्तान में जिस इक्विपमेंट से लड़ाई लड़ी है। अच्छा, यहाँ डिस्प्ले था, उसके 50 साल पूरे हो गए। गाइज ये है पाकिस्तानी टैंक और एक बार इस टैंक को ध्यान से देख लेना, ये हमारे इंडियन आर्मी के जवानों में 1971 के वॉर के अंदर जीता था। तो अभी यहाँ पे आर्मी एग्जीबिशन हुआ था तो उस टाइम ये दिखाया गया था। गाइज बड़ी प्राउड मूवमेंट आती है, मैंने आपको हमेशा बताया बार बार। तो गाइज मैंने इतने पास से टैंकों को पहली बार देखा है ढंग से, तो ये मेरे को पाकिस्तानी टैंकर हैवी लग रहा है और काफी हैवी मेटल इसके अंदर यूज कर रखा है। एंड गाइज ये है हमारा इंडियन टैंकर जो 1971 के वॉर के टाइम का है, और ये पाकिस्तानी टैंकर से भी हैवी है और लंबा भी है। गाइज मैं हमारे व्लॉग्स के अंदर आपको ऐसी ऐसी चीजें इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको भी थोड़ी चीज की जानकारी मिले और थोड़ा मोटिवेशन आए, आपको हमारी कंट्री और हमारे देश के जवानों के ऊपर प्राउड हो। हमेशा रेस्पेक्ट करना भाई आर्मी ऑफिसर्स की, क्योंकि गाइज हमारी देश की सेना है तभी हम चैन और सुख की सांस ले पा रहे हैं। अगर हमारी कंट्री की सेना पावरफुल ना हो तो अफगानिस्तान जैसा हाल हो जाए भाई। तो चलते हैं अभी, और अगर कुछ और अच्छा हुआ तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा आगे वीडियो में। भाई आज सच बता रहा हूँ, इतनी ज्यादा ठंड है दिल्ली के अंदर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज्यादा। सुबह जब मैंने आपको दिखाया था कितनी तेज हवा चल रही थी, तो आज हवा चल रही है वो ठंडी ठंडी। ऑफिस हो गया खत्म, आ गए घर पे, शाम को फिर से जाना है, मेरी ड्यूटी ऑफ नहीं हुई है, मैं कुछ खाना वाना खा के जाऊंगा यार वापस। चीकू, जब तुम्हें पता है हम आए हैं तो गेट काहे नहीं खोले? नहीं खोले तो नहीं खोले, क्या कर लीजिएगा। मैं सुबह गया था मॉर्निंग में और अभी देखो टाइम हो रहा है 12:30, मतलब मैं खाना वाना खा के दोबारा से चला जाऊंगा। और आज इतनी ठंड हो रही है ना, ठंडी वाली हवा चल रही है, मैं रो रो के नहीं हूँ। अरे भाई मैं इंडिया गेट पे गया था, वहाँ पे भी इतनी ठंड लग रही थी, सच बता रहा हूँ। देखो इस कारपेंटर का काम शुरू हो गया, इसको मैं कारपेंटर बोलू, प्लम्बर बोलू, क्या बोलू, कुछ भी बोल सकते हैं। घर के अंदर कुछ ना कुछ स्टिकर चिपकाती रहती है, व्हाइट दीवारें होती है ना, वो तुमने गंदी कर दी तेल लगा लगा, तो मैं सोच रही हूँ ब्रिक्स चिपका दूँ। क्या बनाया मैडम आपने, कुछ ढंग का बनाया तो बता दो। दाल सोनम ने यहाँ मेरे लिए बना के रखे हुए, जीरा राइस और दाल। लड़की बहुत अच्छी है, कहना सारा मान
लेती है। तो देखो सोनू ने बहुत ही बढ़िया दाल बनाई और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और ये कह रही है मेरे साथ खाएगी। लोग कहते हैं हमेशा सोनू के खाने की तारीफ क्यों करते हो आप? जिस दिन गंदा बनाती हूँ बुराई भी करता हूँ ना। हाँ यार बहुत, वो शूट नहीं करता मैं, अगली बार शूट करूंगा। देखो आज हमारी पूरी फैमिली जिम में आई हुई है। ये देखो जादूगर, ये जादू दिखाता है, ये रोड पे खेल दिखा रहा था, अभी हमने इसे पकड़ लिया। जादूगर जैसा नहीं लग रहा है, इसकी हालत देखो एक बार नीचे से लेके ऊपर तक। फैशन से मेरा कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक। अभी हम लोग क्या करने के लिए आए जिम में, एक दो मुझे वीडियो शूट करनी थी गाइस, मुझे अपनी वीडियो शूट करनी थी फिटनेस चैनल के लिए, और एक दो रील्स भी बनानी थी भाई फिटनेस से रिलेटेड। उस जादूगर की बस की तो अब कुछ रही नहीं। मैंने तुम्हारी काफी सारी वीडियो शूट कर दी, अब संजय से करवाओ। वीडियो शूट करते करते सो जाती है तू। ठीक है जोकर, बाय। वीडियो हमारी हो गई शूट, अभी चलते हैं घर पे। गाइस आ जाइए मम्मी गाँव से। गाँव की मम्मी शादी कैसी रही आपकी? बहुत ठंड हो गई, शादी तो बढ़िया। समोसे लाए हो? भाई ले आई हूं, मैं कह ही रही थी और मन कर रहा था। बताना मम्मी को क्या क्या लेकर आना है। ले समोसे का उद्घाटन किया जाए। तुम खाओगे? नहीं मैं नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं आप दोनों खाओ। तो गाइस अभी हम आपको अलग अलग ड्रेसअप में नजर आने वाले वीडियो के अंदर। आजकल भाई हम रील्स बना रहे हैं तो एक दो रील्स डालते रहते हैं हम इंस्टाग्राम पे, इसलिए इंस्टाग्राम पे जाके यार जरूर फॉलो कर लो। इस लड़की को देखो, अभी कहेगा तेरे को प्रेगनेंसी में चल रही है, मेरे को तो देख के बिल्कुल नहीं लगता गाइस। बस का पेट मोटा हुआ है और हाथों पे भी फैट नहीं आया, फेस पे भी इनफैक्ट बहुत कम फैट आया। कमेंट सेक्शन में काफी लड़कियां मुझसे पूछ रही थी कि डे बाय डे आपके फेस पे इतना ग्लो आ रहा है, आपने आपको हाइड्रेट रखा है बहुत ज्यादा, फ्रूट्स वगैरह मैंने बहुत खाए हैं, इसके साथ में मैंने जो ब्यूटी प्रोडक्ट भी यूज किए हैं। वैसे तो गाइस ब्यूटी नेचुरली अच्छी लगती है, बट इसको थोड़ा इनहेंस करने के लिए मैं ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करती हूँ। मेरा पहला प्रोडक्ट है रेवलॉन का कॉम्पैक्ट, का शेड है आइवरी मैट। ये मेरे फेस पे इतना सूट कर रहा है ना, तो मैं आपको एक बार हाथ पे लगा के दिखा दूं। सी गाइस आप इसको अपनी शेड के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं अमेजोन से। सेकंड प्रोडक्ट है कलोरेंस का हाई डेफिनेशन फाउंडेशन। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो फाउंडेशन के बिना तो आप नहीं जाते हैं, तो एक बार ये वाला फाउंडेशन अमेजोन से बाय करके जरूर देखना। थर्ड प्रोडक्ट है बेसिक सा काजल, जो मैं हमेशा शुगर का यूज करती हूँ, एक खत्म हो गया था, सेकंड परचेज किया। लास्ट प्रोडक्ट इज 7 कूल ब्लशर पैलेट, जो आपके चीक्स को हल्का हल्का गुलाबी बना देता है। एक बार ये वाला प्रोडक्ट अमेजोन से बाय करके देखना गाइस, ट्रस्ट मी गर्ल्स आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गाइस ये चारों ब्यूटी प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से बाय किए हैं। तो गाइज अभी अमेजोन पे वार्डरोब रिफ्रेश सेल लाइव है, वहाँ पे फैशन एंड ब्यूटी कैटेगरी पे 50-80% ऑफ है। सारे प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें। गाइज एज यू नो, जब से सोनू की प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हुई है, हमने आप लोगों के साथ एक एक छोटी से छोटी चीज शेयर करी है। प्रेगनेंसी से लेके कॉम्प्लिकेशन तक हर चीज हमने शेयर करी है। अरे छोटे छोटे एक्सपीरियंस से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इन फ्यूचर आपको भी मॉम डैड बनना है भाई, शादी सबको करनी है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो रंडवा रहे, ठीक है। शादी करना सबको अच्छा लगता है, करनी भी चाहिए, अच्छी चीज है। टाइम पे रोटी सब्जी मिल जाती है, कपड़े धुल जाते हैं। सबसे मेन सुख तो यही है। तो आज हम आपके साथ बहुत क्यूट सी चीज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, वो है मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, जिसके अंदर हमारी बेबी की बड़ी प्यारी प्यारी एक्टिविटी हमने कैप्चर करी थी। इनफैक्ट मैं तो लाइव देख रहा था तो मुझे बहुत मजा आया था। मेरे को थोड़ा सा रह गया यार, मैं नहीं देख पाई थी। हमने 7 मंथ के एंड में कलर डॉपलर करवाया था, उस वाली अल्ट्रासाउंड में बेबी के फिंगर से लेके छोटी छोटी चीज को कैप्चर करना होता है डॉक्टर को। दो अल्ट्रासाउंड करवाए थे, 3D और 4D दोनों हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक में बेबी रो रहा है और एक में बेबी हंस रहा है, और आप देख लेना भाई शक्ल किसके ऊपर गई। जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो डॉक्टर पेट के ऊपर काफी प्रेशर करते हैं ताकि बेबी मूवमेंट करे, तो अलग अलग उसके मूवमेंट्स कैप्चर होते हैं, तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक फोटो में तो वो रो रहा है और एक में बिल्कुल आराम से सो रहा है, एक में हंस रहा है और एक में हंस रहा है। इन रिपोर्ट्स के अंदर बच्चे है ना एलियन से कम नहीं लगते। इस वाली फोटो का मैं स्क्रीनशॉट आपको साइड में लगा दूंगा, यहाँ से आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। इस वाली फोटो के अंदर बेबी रो रहा है, एंड सोनम बताएगी, सोनम इस वाली फोटो में क्या कर रहा है बेबी? थोड़ा मुस्कुरा रहा है, थोड़ा हंस रहा है, अंगड़ाई ले रहा है, क्योंकि आप ये बोल सकते हो। गाइस सबसे क्यूट है ना हमें हमारा बेबी इसके अंदर लगा, इसके अंदर बड़ा क्यूट लग रहा है, और वाले अल्ट्रासाउंड के अंदर बेबी आराम से सो रहा है, और सच में यार बहुत ही क्यूट लग रहा है। मुझे ये वाली फोटो बहुत ही अच्छी लगी, इसमें बेबी के होंठ है ना बिल्कुल पतले पतले लग रहे हैं, आप देख लेना दोनों में से होंठ किसके पतले हैं। तो गाइस जो भी कपल्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड अच्छा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और हमारे लिए भी अगर कोई टिप्स हो तो बता दे भाई हमें क्या क्या करना चाहिए, और भी कोई आपके सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। गाइस अभी चेंज कर लेते हैं फटाफट से, और अभी हमें जाना है कहीं शूट पे, तो तब तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई रॉयल शक्ति फिटनेस के नाम से, सोनम चिकू के नाम से, कर लो भाई यार कर दो। गाइज अभी हम आए हैं बुलेट से अपनी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि भाई आपको पता है मम्मी पापा और आर्यन गाड़ी लेकर गांव गए हुए थे, क्योंकि आर्यन की गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और इस लड़की को देखो बढ़िया घर से निकलती तो बड़ा पैक वैक होकर निकलती हूँ, तेरी शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है चोरी करने के लिए निकली है तू। ऐसा भी नहीं है, तो मफलर वही बांधते हैं, नहीं उनके काले होते हैं, मेरा कलरफुल है। नहीं नीचे से तो तू काला ही है, पूरा चोरी लग रहा है। हम लोग जा रहे हैं प्रगति मैदान, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लगते हैं और हमें कुछ काम भी है वहाँ पे, तो आज आपको दिखा के लाते हैं प्रगति मैदान
और सोनम को भी घुमा के लेकर आते हैं क्योंकि मैं और सोनम बहुत टाइम पहले गए थे। गाइस अभी हम पहुंच गए प्रगति मैदान और मेरे साथ है शक्ति। बाल पूरे भी कर गए ना यहाँ आते आते। दिल्ली के दूसरे कोने पे रहते हैं मतलब द्वारका से और यहाँ पे आते आते हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया। हाँ और अभी हमें अंदर जाने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये काफी बड़ा है और यहाँ पे एग्जीबिशन लगे हुए हैं। ये 2 एंड 3 की एंट्री है और हमें जाना है 5 में। तो स्टिल अभी हम बहुत दूर है और अभी हमें चल के बहुत सारा जाना पड़ रहा है। तो सोनम आप क्या करने आए हो आज यहाँ पे? एग्जीबिशन चल रही है तो मेरे को बड़ा शौक है प्रगति मैदान में जाके एग्जीबिशन देखना क्या क्या नया आया है। अच्छा शॉट देना चाहिए, वन टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है? बड़ी मेहनत चल रही तेरे ऊपर। तो गाइज अभी हम यहाँ पे अपना एक वीडियो सेशन के लिए आए थे, ठीक है? चलो थोड़ा लाउड बोलना और जल्दी बोलना। हो गया तेरा फोटोशूट कंप्लीट है? हाँ, आज तो तूने 2-3 टेक में कर दिया सारी चीजें कंप्लीट। नहीं वरना अटकती है हमेशा, जवान फिसलने लग गई तेरी अब। हम एक छोटे से शूट के लिए आए थे यहाँ पे और हमें मतलब आज मतलब हमें काफी दूर आना पड़ा प्रगति मैदान मतलब द्वारका से ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर चल के। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये सारे शॉर्ट्स आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगे। तो हमने एक ब्रांड के साथ हमारा शूट था जिसके लिए हम आज यहाँ पे आए थे। इतनी सारी प्रॉब्लम है बेसिकली उसका है ना आर्किटेक्चर का है। मैं सारे स्मार्ट होम अप्लायंस और बहुत सारी चीजें मतलब जैसे तो आज मैंने स्विच भी नहीं देखा ऐसे जिंदगी में, आज देख लिए मैंने। लेट हो गए हम, सबसे लास्ट क्रिएटर है जो यहाँ पे आए पता है तेरे को, और अभी ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो चुका है। देखो गाइस जब हम बाहर आए थे ना तो बिल्कुल उजाला था और अभी बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, ठंड हो रही है बहुत। और आज हमारी कार भी पार्किंग बहुत दूर है। हाँ यार पैदल होके जाना पड़ेगा 1/2 किलोमीटर। गाइस ऑलमोस्ट सारे लोग जा रहे हैं और हम भी अब फाइनली जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत लेट आए थे भाई। दिल्ली में एग्जीबिशंस वगैरह बहुत बढ़िया लगते हैं गाइस। तो हमने तो पूरा घूमा ही नहीं है अंदर यार, पूरा बहुत ही बड़ा था। बस हमारा ये था हम शूट करके हमें वापस जाना है घर क्योंकि मैं अब थक गई हूँ बहुत ज्यादा। अभी सोनम को बहुत तेज अंदर भूख लगी है तो इसको खाना है भाई गोलगप्पे, इसके साथ साथ मैं भी एक दो खा लूंगा। इतने से गोलगप्पे भैया बहुत छोटे गोलगप्पे है। गोलगप्पे छोटे पैसे ज्यादा होते हैं दिल्ली में, ये ऐसे ही होता है। गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो क्या करना है सोनम? लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये सिर्फ हम बोलते नहीं है, प्लीज कर दिया करो, कर दिया करो। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लिया करो भाई, वहाँ हमारे फॉलोअर्स बढ़ाओ यार, कम है। लोग बाग बोलते भाई आप ये यूट्यूब पे इतने आपके फैंस के आपसे प्यार नहीं करते, आप प्यार करते हो ना तो जाओ यार वहाँ सब्सक्राइब करो। जो भी नए लोग हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर मार देना, सब्सक्राइब मार देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना सोनम चिकू नाम से, रॉयल शक्ति फिटनेस के नाम से, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।